हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सबने पिछले वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा ही था कि बैरन कॉर्बिन के साथ डॉल्फ ज़िगलर एंड उनके कुछ आदमी ने मिलकर रोमन रेंज पर एक काफी जबरदस्त अटैक किया एंड उनकी बेइज्जती की उन पर डॉग फूड फेंक कर, और इसके बाद लग रहा है रोमन रेंज को कोई पार्टनर की जरूरत है जो कि उनकी हेल्प कर सके बैरन कॉर्बिन एंड उनके आदमियों का सामना करने के लिए। और गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आखिर कौन वो सुपरस्टार हो सकता है जो कि रोमन रेंज का साथ दे बैरन कॉर्बिन एंड उनके टीम का सामना करने में। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ उस चार सुपरस्टार के बारे में जो कि अब WWE से बाहर निकल चुके हैं। इसके अलावा हमें ब्रॉक लेसनर कब अपना रिटर्न करते हुए दिखेंगे WWE में। तो गाइस, इन सब अपडेट्स हम सबसे पहले दी बीस्ट इनकार्नेट एंड WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आखिर वो कब हमें फिर से WWE में देखने को मिलेंगे। तो सर्वाइवर सीरीज में लास्ट देखने को मिले थे जहां पर उन्होंने डिफेंड की थी अपनी WWE चैंपियनशिप रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट, और उसके बाद से हमें अभी तक रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड में कहीं भी हमें ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिले। और इसके बाद आप में से काफी सारे लोग मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर कहाँ गए एंड वो कब हमें अपना रिटर्न करते हुए दिखेंगे WWE में। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि TLC पेपर पे हमें ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिलने वाले, यानी कि वो हमें अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए नहीं दिखेंगे TLC पेपर व्यू में, अगर WWE अपने प्लान में कुछ चेंजेस नहीं करती। और बात की जाए कि आखिर ब्रॉक लेसनर हमें कब देखने को मिलेंगे, तो आप सबको बता दूं रॉयल रंबल 2020 में वो हमें WWE चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखेंगे, इसके लगभग पूरे चांसेस है। और हमें रॉयल रंबल के आसपास ही वो रिटर्न करते हुए दिखेंगे, यानी कि शायद से हमें अब 2019 में ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिलने वाले और वो हमें जनवरी के 2020 में अपना रिटर्न करते हुए दिखेंगे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है चार ऐसे सुपरस्टार से जिन्हें WWE ने कर दिया है रिलीज, यानी कि वो अब WWE से जा चुके हैं बाहर। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा WWE में अभी ऐसे कई सारे सुपरस्टार है जो कि टैलेंटेड तो है बट WWE उन्हें सही से बुक नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो अपने रिलीज की डिमांड कर रहे हैं WWE से। और बात की जाए कि ऐसे कौन से चार सुपरस्टार है जो कि निकल चुके हैं WWE से बाहर, तो वो है सिन कारा, लुक गैलोस, कॉनर एंड विक्टर। आप सब जानते हैं कॉनर एंड विक्टर एक टीम है, यानी कि एसेंशन, यानी कह सकते हैं WWE के कुछ जाने पहचाने नाम, यानी कि ये सारे सुपरस्टार काफी टाइम पहले से जुड़े हुए WWE से, वो अब जा चुके हैं WWE से बाहर। एंड ये कोई रूमर नहीं है, इसकी अपडेट खुद दी है WWE ने कि उन्होंने इन सारे सुपरस्टार को रिलीज कर दिया। और वही बात की जाए लुक हार्पर की, देन ऐसी अपडेट से कि WWE ने उन्हें रिलीज तो कर दिया बट वो हमें मार्च तक किसी और कंपनी में रेसल करते हुए नहीं दिखेंगे। इसलिए अब देखना होगा कि ये सारे सुपरस्टार WWE से रिलीज होने के बाद AEW में जाते हैं या फिर कहीं और। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंज से। तो जैसा कि हम सबने देखा ही था पिछले वीक के स्मैकडाउन में बैरन कॉर्बिन ने ह्यूमिलेट किया था रोमन रेंज को, जहां पर वो डॉल्फ ज़िगलर एंड उनके साथी मिलकर अटैक किए थे रोमन रेंज पर एंड उन पर डॉग फूड भी फेंके थे। अब इसके बाद ये बात तो साफ है कि रोमन रेंज काफी ज्यादा गुस्से में और यही चीज की वार्निंग दी है उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, जहां पर उन्होंने लिखा मैं नॉक्ड डाउन हुआ हूँ ना कि नॉक्ड आउट। और इसके बाद रोमन रेंज ने लिखा कि TLC पेपर व्यू में बैरन कॉर्बिन को बहुत ज्यादा पेन या फिर दर्द देने वाला हूँ, जिसे होने में बस एक हफ्ते बचे। इसलिए कह सकते हैं रोमन रेंज ने तो स्टेटमेंट दे दिए, बट आप सबको बता दूं हो सकता है कि हमें TLC पेपर व्यू में भी इन दोनों की फ्यूड खत्म होते हुए ना दिखे, क्योंकि इसके बाद होने वाले लाइव इवेंट्स में भी इन दोनों की मैच एडवर्टाइज की जा रही है, जहां पर बैरन कॉर्बिन के मैनेजर के रूप में निकल कर आ रहे ड्रेक मैवरिक। इसलिए हो सकता है कि अगर रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर के साथ साथ ड्रेक मैवरिक भी अगर बैरन कॉर्बिन के साथ आ रहे हैं, देन डेफिनेटली हमें रोमन रेंज की तरफ से भी कोई ना कोई आते हुए दिखेगा। और बात की जाए वो कौन हो सकते हैं, देन दो ही नाम निकल कर सामने आ रही है, पहली है एक टीम एंड दूसरे है सुपरस्टार। पहली टीम जो है वो है दी उसोस। अब उसोस के रिलेटेड काफी पहले स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि वो हमें रिटर्न करते हुए दिखेंगे स्मैकडाउन में, जहां पर वो हेल्प करेंगे रोमन रेंज की, बट अभी तक हमें ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिखा। लेकिन क्या पता अगर WWE इतने सारे सुपरस्टार्स को आगे अगर ऐड कर रही है, देन उसोस जो कि दो मेंबर की टीम है वो हमें रोमन रेंज की हेल्प करते हुए दिखे। तो अब बात करें दूसरे सुपरस्टार के बारे में, देन वो कोई और नहीं, वो है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। अगर आप ब्रॉन स्ट्रोमन को देखो तो स्मैकडाउन में उनकी फ्यूड किसी के साथ भी नहीं चल रही, और ब्रॉन स्ट्रोमन एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें WWE खाली नहीं छोड़ सकती, यानी कि उन्हें कोई ना कोई स्टोरी लाइन में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो WWE को उनकी व्यूअरशिप में डेफिनेटली नुकसान होगा। इसलिए हो सकता है अगर सर्वाइवर सीरीज में भी हमें स्मैकडाउन की तरफ से रोमन रेंज एंड ब्रॉन स्ट्रोमन एक साथ जब देखने को मिले थे, देन अब जब रोमन रेंज की स्टोरी लाइन में एक पार्टनर की जरूरत है जो कि उनकी हेल्प कर सके बैरन कॉर्बिन की टीम से लड़ने में, देन हो सकता है कि WWE पॉसिबली वहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन का यूज कर ले। और आप सबको पता ही अगर ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रोमन रेंज
एक साथ हो गए देन सामने 5 या 6 मेंबर हो, ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब देखना हो कि आखिरकार रोमन रेंस की तरफ से अगर कोई आता है तो वो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड दी उसोज में से कोई होगा या फिर कोई और। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट में बताइए कि आप रोमन रेंस के पार्टनर के रूप में स्मैकडाउन से कौन से सुपरस्टार को देखना चाहेंगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।